नमो आदेश गुरु जी को सभी मित्रों को जय महाकाली जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों आज हम आपको दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज व तीक्ष्ण बनाने की विधि बता रहे हैं। मित्रों कंप्यूटर मानव का आविष्कार है, वह मानव से अधिक तेज हर किस हो नहीं सकता। मित्रों स्वामी विवेकानंद जी इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। वह जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे उसका अक्षर अक्षर उनको याद हो जाता था। आज गूगल बॉय भारत का कौटिल्य शर्मा इसकी जीवित उदाहरण है। भारत के ऋषि मुनियों की कृपा से आज भी ऐसे प्रयोग मौजूद हैं जिनसे मिट्टी के माधव को भी अर्थात महामूल व्यक्ति को भी ज्ञान देव बनाया जा सकता है। आवश्यकता है आपके श्रद्धा और विश्वास की। आज का ये माँ सरस्वती का प्रयोग विद्यार्थी जीवन के लिए एक वरदान साबित होगा तथा विद्यार्थियों की विद्या संबंधी समस्याओं को ये मूल सहित नष्ट करने में पूरी तरह समर्थ है। मित्रों जो विद्यार्थियों के लिए ही नहीं कला से संबंधित हर क्षेत्र में ये बुलंदियों तक पहुँचाने में सक्षम है, चाहे वह संगीत से हो या आर्ट से संबंधित हो। कला के अतिरिक्त मित्रों वाणी की देवी सरस्वती की कृपा से आप अपनी वाणी में ऐसी सम्मोहन शक्ति प्राप्त कर सकते हो जिससे आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हो। अपनी वाणी के प्रभाव से आप राजनीति में बुलंदियों को छू सकते हो। मित्रों आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने वाणी के प्रभाव से ही लोकप्रिय हैं। मित्रों ये सब भगवती आदि शक्ति सरस्वती की कृपा है। यदि आप अपने दिमाग को गूगल बॉय कौटिल्य शर्मा की तरह तीक्ष्ण बनाना चाहते हो और यदि आप बिजनेस की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, कला में अपना नाम कमाना चाहते हो और संगीत की बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो मित्रों ये प्रयोग एक बार अवश्य ही संपन्न करके देख लें। इस प्रयोग के करते ही आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि यदि आप किसी किताब या अखबार को सरसरी नज़र से देख लेते हो अर्थात ऐसे ही नज़र डालकर देख लेते हो तो भी वह आपके दिमाग के हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। मित्रों यदि आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हो तो कहना ही क्या, उसका अक्षर अक्षर आपको यथार्थ याद हो जाएगा। आप कक्षा में जो टॉप करने का स्वप्न देखते हैं, जो आपको लगता है कि इस जन्म में शायद आप पूरा नहीं कर पाओगे, वह स्वप्न आपको खेल प्रतीत होने लग जाएगा। आप अपनी कक्षा तो क्या अपने से बड़ी कक्षा को भी सरलता से उसके सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर सकते हो और मैथमेटिक के कठिन प्रश्नों का उत्तर भी आप चुटकियों में प्राप्त कर सकते हो। ये मंत्र कितना पावरफुल है, कितना प्रभावशाली है, इसकी व्याख्या करना लगभग असंभव है। हाँ जब आप इसका प्रयोग करोगे तो आप स्वयं ही इसकी शक्ति से इसके चमत्कार से परिचित हो जाओगे। मित्रों बिजनेस हो या राजनीति, शिक्षा हो या संगीत, हर क्षेत्र में भगवती सरस्वती की कृपा से आप वह सब प्राप्त कर सकते हो जो आप प्राप्त करना चाहते हो। और यदि आप अपने जीवन
में भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए। इसमें ना तो कोई विधि विधान की जरूरत है, ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान है। बस थोड़ा सा प्रयोग आपको सुबह और शाम करना है और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे घटित होता है। मित्रों, सुबह और शाम स्वच्छ होकर स्वच्छ मन से अर्थात पूर्ण समर्पण भाव से माँ सरस्वती जी की मूर्ति मित्रों ऐसी होनी चाहिए जो हंस पर बैठी हो और उनके हाथ में वीणा व पुस्तक तथा अभय मुद्रा वाली हो और साथ में उनके बुद्धि के दाता गणेश जी की मूर्ति भी होनी चाहिए। उस मूर्ति को सामने रखकर आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। मूर्ति के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं और गुलाब की शुद्ध अगरबत्ती की 11 अगरबत्तियां लगा 11 या 5 अगरबत्ती लगाकर आप 21 बार बताए जा रहे मंत्र का पाठ करें। ये मंत्र हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे देंगे, आप वहाँ से भी इसे नोट कर सकते हैं। मित्रों, मंत्र के साथ आपको सफ़ेद रंग की मिठाई जो दूध से बनी हो उसका भोग भगवती को लगाना है और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लेना है। यदि मिठाई ना मिले तो आप पतासे का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसे भगवती का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लें और फिर आप इसके चमत्कार को स्वयं खुली आँखों से देखें। मित्रों, प्रयोग मंत्र बताने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका लाभ भी उठा सकें। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योतिष के गुड़ इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योतिष के गुड़ रहस्यों के साथ वास्तुशास्त्र के रहस्यों को भी समय समय पर बताते रहेंगे। मित्रों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक तथा अनुभूत व ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। मित्रों, इस मंत्र का सरस्वती जी की तस्वीर के सामने आपको 21 बार सुबह और 21 बार शाम को जाप करना है। आपकी सभी विद्याओं संबंधी समस्याओं का, वाणी संबंधी समस्याओं का और कला तथा संगीत संबंधी समस्याओं का जड़ से विनाश होगा और आप उस बुलंदियों को छूओगे जिसको आप छूना चाहते हो और उससे भी ऊपर ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकोगे। मित्रों, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वदनी मम विद्यादेही भगवती हंसवाहिनी समरुणा बुद्धिदेही देहि प्रज्ञा देहि विद्या देहि परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए मित्रों, ओम नमः भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वदनी मम विद्या देही भगवती हंसवाहिनी बुद्धि देही देहि प्रज्ञा देहि विद्या देहि परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। मित्रों, ये बहुत ही चमत्कार ये मंत्र है, हमने अनेकों बार इसका प्रयोग करवाया है और हर बार इसका सुखद रिजल्ट प्राप्त किया है। मित्रों, आप भी इसको प्रयोग कर देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो के संबंध में यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो दिए जा रहे नंबर के द्वारा आप हमें सुबह 10 से 12 बजे के बीच में फ़ोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने तंत्र मंत्र से संबंधित तथा ज्योतिष व वास्तु की समस्याओं के समाधान के लिए
हमें दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मैसेज कर कर उत्तर प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही शेयर करें ताकि अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली, आप सबका मंगल।